सो हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वंस अगेन। अ वेलकम बैक टू माय चैनल द स्कॉलर्स हाउस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, हैप्पी होंगे एंड यस स्टडी कर रहे होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के 2 कॉइंस एंड 3 कॉइंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। सो जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एज यू ऑल नो दैट हमने प्रीवियस जो क्लासेस हमारी जो है वो हमारी कौन से टॉपिक पर चल रही है आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर हम CBSE के 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेस भी पढ़ लिए हैं एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो सीरीज है 21 जो काफ़ी जिसमें मैंने 21 क्लासेस ले रखी हैं जो काफ़ी टाइम पहले ही आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। सो प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट 90% हो चुकी है। सब लोग प्लीज़ प्रिपेयर करिए एग्जाम के लिए, टर्म वन एग्जाम जो आपका मैथमेटिक्स का दिसंबर में होने वाला है। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिए आज का मैंने जैसे कि मैंने बताया, तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें 2 कॉइंस। ऑल राइट, देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास मैंने पहले भी ले रखी है बट यस उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ एक कॉइन के बारे में, एक कॉइन का एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो बता रखा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा, देखिए ज़्यादा देर का नहीं लगेगा लेक्चर, तो आप बस एक क्लास में बने रहिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, यहाँ से आप लोग गारंटी ले सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, फिर चाहे आपका वो सेक्शन ए में आए या सेक्शन बी में आए। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 कॉइंस, व्हेन वी थ्रो 2 कॉइंस टॉस टुगेदर, ऐसा आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अनबायस्ड कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए यू हैव आपके पास ऐसे करके बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग इस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। ऑल राइट, मैं यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन होंगे, इस 2 कॉइन से रिलेटेड 6 क्वेश्चन हैं, उसके डायरेक्ट आंसर कराऊंगा। तो देखिए 2 कॉइन्स फेंकने में, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आप लोगों के लिए जो आउटकम्स हमें मिलते हैं जब भी 2 कॉइन्स हम थ्रो करते हैं, ठीक है, 2 कॉइन्स, ठीक है, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो करने पर हमारे पास आउटकम से क्या आता है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, ये बहुत आसान चीज़ है, हेड हेड, ट्रेल ट्रेल, हेड टेल एंड टेल हेड। देखिए ये क्लास को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था आप लोगों के लिए, तो लास्ट टाइम में क्या चीज़ पढ़ के जाना है, क्या चीज़ जरूरी है, मैं वही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेटिंग टू हेड्स, बताइए 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, क्या होगी, सिंपल सा देखिए, कुछ नहीं करना है, 1, 2, 4 दिख रहे हैं, टोटल आउटकम्स आपको पता है नीचे आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम पहले क्वेश्चन में किसके फेवर पे हैं, तो पहले क्वेश्चन में हम लोग फेवर पे हैं किसके, जी हमें 2 हेड मिले, सो एक बार हमें मिल रहा है 2 हेड, तो 1/4, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, आई थिंक समझ में आ गया होगा, 1 हेड मिले, 1 हेड मिले, ठीक है, ओनली मतलब 1 हेड मिले, बस हो गया, समझ गए आप लोग, 1 हेड किस किस मारा, देखिए एक ही, ठीक है, तो 2 में क्या आ रहा है आप लोगों का, 1 हेड आ रहा है, सो 2 में आपको 1 हेड मिल रहा है 4 में से, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, देखिए 1/2 हो गई, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम, तो ये क्वेश्चंस प्लीज आप सभी लोग एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके जाना, ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग प्रीवियस जो भी है पढ़ रहे हैं, बट यस एक प्रोबेबिलिटी को आप छोड़ना मत, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, या आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। सो देखिए एटलीस्ट 1 हेड, अब ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, एक बार आप क्लास देखिए एटलीस्ट 1 हेड की, मैंने उसमें आपको थंबनेल में दे रखा है, मैजिक ऑफ कॉइंस करके लिखा होगा, उससे मैंने ये कॉन्सेप्ट बता रखे है। अब देखिए फ्रेंड्स, एटलीस्ट 1 हेड मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कम से कम 1 और 1 से ज्यादा चल सकता है, बट 1 से कम नहीं हो सकता, क्या कहा मैंने, कम से कम 1 मतलब लीस्ट, जो लीस्ट है वो 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी जितनी बार भी हेड आ रहा हो जिसके बारे में पूछा हो चलेगा, लेकिन अगर हेड नहीं है तो वो वाले आउटकम्स हम नहीं लेंगे। ऑलराइट, तो बात आती है, पहली बात तो ये कि नीचे तो 4 आना ही है, अब देखिए एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो मिली, 1, 2 भी मिल सकते हैं ना, तो एटलीस्ट 1 में 1, 2, 3, 1, 2, ठीक है, 3 बार तो हेड आएगा नहीं, तो 1 हो सकता है,
एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो हेड के आने के चांसेस एक है और दो है, तो एक और दो मतलब या तो एक बार आए या दोनों बार आए, ठीक है। तो बात यह है कि एक बार यहाँ आगे एक दो और एक तीसरी, देखो तीन बार, ठीक है, या यहाँ एक एक बार आ रहा है, यहाँ दो बार आ रहा है, तो ये सब आउटकम्स मिल सकते हैं हमें, एक दो तीन। सो यहाँ पर से डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 3/4। अब देखिए फ्रेंड्स, एट मोस्ट वन हेड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए ये दो कॉन्सेप्ट है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और आपको भी इंपॉर्टेंट लगने चाहिए। एट मोस्ट, सॉरी, यहाँ पर एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट है, एट मोस्ट वन हेड। तो दोस्तों देख लीजिए, एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक, ऑल राइट, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से कम चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने, एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक तो होना ही चाहिए लेकिन उसमें दो हेड्स नहीं होने चाहिए। क्या क्या बोला, दो हेड्स नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं यहीं पर, एट मोस्ट वन हेड का मतलब जीरो जो हेड के आने के चांसेस हैं, हेड या तो जीरो बार आए या एक बार आए, बस एटमोस्ट वन में। सो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब टू नहीं लेंगे हम, टू जिसमें तो दो हेड्स आ गए उसको नहीं लेंगे, और जिसमें हेड है ही नहीं उसको लेंगे, उसको भी लेंगे, और जिसमें एक हेड है उसको भी लेंगे। सो देखिए, हेड हेड है ही नहीं किसमें, एक किसमें, इसमें हेड है, हेड नहीं है ना, ठीक है, तो एटमोस्ट कौन से, एक ये एक ही, तो ज्यादा से ज्यादा एक दो और इसमें है ही नहीं, तो तीन। सो 3/4, सो ये भी आपका सेम हो गया, मजा आ गया क्वेश्चन में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, कोई हेड ना हो, नो हेड। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, नो हेड। सो हेड हो ही ना, ये कहां पर हो सकता है बताइए, हेड ही ना हो तो देखिए बिल्कुल हेड नहीं चाहिए, नो हेड कह रहा है, तो देखिए इसी में है जहां पर हेड नहीं है, तो एक आउटकम ऐसा है जहां पर हेड नहीं है। सो ये देख लीजिए, टी और टी, यहां पर हेड नहीं है, सो 1/4 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमारे यहां पर देखिए ये 5-6 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम बढ़ते हैं 3 कॉइंस की तरफ। तो देख लीजिए एक बार सभी लोग इस क्लास को अच्छे से, ओके। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपना 3 कॉइंस टॉस टुगेदर के साथ, और मजा आने वाला है आप लोगों को। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी क्लास। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों 3 कॉइंस, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। अब 3 कॉइंस में देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो कभी कभी हम लोगों को भी करनी पड़ती है ऐसा कोई, लेकिन हम लोगों ने एक सिमेट्री आपके लिए तैयार कर रखी है, वो क्या चीज है आप देख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए 3 कॉइंस के टॉस में जो आउटकम्स होते हैं वो थोड़ा बनाना डिफिकल्ट बन जाता है। तो देखिए क्या करना है, 3 कॉइंस ऑफ टॉस साइमल्टेनियसली या टुगेदर, तो व्हाट आर द आउटकम्स, टोटल नंबर आउटकम्स कितने होते हैं, मैंने आपको तार रखा, जैसे ही आप लोग पहली बात का भी ध्यान से दीजिए, जब 3 कॉइंस टॉस होते हैं तो आउटकम्स कितने मिल जाते हैं आप लोगों को, ये आप याद रख लीजिए, आउटकम्स कितने जाते हैं, 8। अभी 8 आउटकम्स हमें मिलने दिखाने हैं भैया, दिखाओ कैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 आउटकम्स है, ठीक है, साइमल्टेनियसली फेंका, एक साथ उनको फेंका, तो देखिए तीनों में अगर हेड आ जाए, हेड हेड एंड हेड, ऑलराइट, मैं आपको यहां पर 6 केसेस दिखाऊंगा, सॉरी जितने भी हैं 8 केसेस। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक सिमेट्री बना तैयार करेंगे आप लोगों के लिए, टी टी टी, बहुत मजा आने वाला, देखिए इस तरीके से चलेंगे, बिल्कुल जैसा मैं करा रहा हूं वैसा ही वैसा, सेम टू सेम। अब क्या करें आप लोग, नीचे वाले में 2 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे यहां भी 2 बार टेल 1 बार हेड, सही हो गया, आगे सब लोगों को। अब क्या कीजिए, देखिए दोस्तों, अब हेड या हेड कर लीजिए और टेल टेल कर लीजिए और टेल करके हेड हेड कर लीजिए, समझ में आ गया, सबको समझ में आएगा, देखो हेड हेड टेल, टेल टेल हेड। अब क्या कीजिए, पहले बार में हेड लिख लीजिए, बाकी 2 टेल कर लीजिए, फिर टेल, फिर हेड हेड, जिस तरह मैं ले रहा हूं उसी तरह आप लोग भी करिए, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। अब लास्ट बचे हैं वो तो आप सभी लोग कर लेंगे, हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल, ये देखिए हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। अब इससे ज्यादा कोई चांसेस है नहीं कि ऐसा 3 कॉइंस टॉस करने में इनके अलावा कुछ और चीज आ जाए, नहीं आ सकता, ठीक है। सो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 केसेस हमें, 8 आउटकम्स हमें मिल चुके हैं। अब इनके बिहाफ पे एक कुछ क्वेश्चंस बने आप लोगों के, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या मिले, सारे हेड्स मिल जाए, ऑल हेड्स,
ऑल हेड्स का कॉन्सेप्ट ने बताइए क्या आएगा, बताइए सारे हेड हो जाए तो कहां पर है ऐसा केस जहां पर सारे हेड मिल रहे हैं, तो एक ही केस है जहां पर सारे हेड्स मिल रहे हैं और टोटल 8 में से। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है इसी के साथ, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, टू हेड्स, दो हेड मिले आपको, गिनते रहेंगे, चले आप भी गिनिए मैं भी गिनता हूं, साथ साथ गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहला, चलिए इतना क्यों लेना है, मार्कर चेंज ही कर रहे हैं, चलो एक दो है ना, एक दो तीन, ठीक है कितना आ गया, सही है ना, एक दो हेड्स मिले, एक दो एंड तीन। सो ये देखिए टू हेड्स का मैं यहां पर लिख देता हूं, टू हेड्स कितने मिल रहे हैं आपको, 3/8। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इसी के पार्ट, हाँ इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है, आप लोगों क्या है, वन हेड, सिर्फ एक हेड मिले, एक दो तीन, वन हेड कितने हैं, 3/8, ये भी क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट क्या मेरा है, एटलीस्ट टू हेड, सीबीएसई 2015 में पूछा गया है और इस बार भी आएगा, सो एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड। इसके बाद में आप लोगों के लिए कार्ड्स के क्वेश्चन में लेके आऊंगा फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए, सारी प्रिपरेशन होगी आप लोगों की। सो एटलीस्ट टू हेड, ये फिर से आगे देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को, ऑलराइट, एटलीस्ट टू हेड्स। देखिए दोस्तों एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम दो हेड्स आए, ठीक है, सो एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो, क्या काम है, कम से कम दो, दो से कम नहीं होनी चाहिए, दो से ऊपर हो सकता है, मतलब दो और तीन, ठीक है, टू हेड्स एंड थ्री हेड्स, इट मींस हेड जो होने चाहिए दो और तीन हो सकता है लेकिन टू से कम नहीं हो सकता, ऑलराइट, मतलब ना ही वन ना ही जीरो। सो देखिए दो हो और तीन हो चलेगा, ठीक है, देखिए ये नहीं है, यहां पर एक ही हेड है, सो एक ही हो गया, दो तीन चार, ऑलराइट हो गया चार, सो कितना आ गया यहां पर से हमारा, 4/8, आई थिंक हम सही हैं, दो हेड आए, दो दो और तीन, देख लीजिए जहां पर हेड दो और तीन आ रहे हैं वो वाले आपके आउटकम्स हो जाएंगे, तो एक दो तीन कितने, चार, सो यहां से हमारा 4/8 और इसका आंसर आ गया 1/2। चलिए अब हम करते हैं यहां पर से अपना लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फिफ्थ, ये आपसे पूछ रहा है एटमोस्ट टू हेड, सो देखिए यहां पर से एटमोस्ट टू हेड का कॉन्सेप्ट है, ये फिर से देख लेते हैं इसको, एटमोस्ट टू हेड्स, देखिए दोस्तों एटमोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो हेड्स मिले आप लोगों को, वो कैसे होगा एटमोस्ट टू हेड्स में, देखिए मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, अब एटमोस्ट पर जाना है तो टू टू वन एंड जीरो, अब ये कॉन्सेप्ट कैसा है आपका, एटमोस्ट में जीरो वन एंड टू, ठीक है, एटमोस्ट टू हेड, ना हेड नहीं हो चलेगा, एक बार हो तब भी चलेगा, दो बार हो तब भी चलेगा, लेकिन दो से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। सो एटमोस्ट टू हेड में देखिए जीरो वन टू, जहां है ही नहीं, यहां तो देखिए तीन तीन है तो लेना ही नहीं है, हेड की बात हो रही है, सो एक दो, ठीक है, तीन चार पांच छह सात, सब में असर, देखिए एक दो दो, एक दो बार, एक बार जीरो बार, सो देखिए सेवन टाइम, सेवन बार ऐसा हो रहा है, तो 7/8, सो यहां से हमारा जो है, हमारे ये जो कॉन्सेप्ट थे, दो टॉपिक थे, टू कॉइंस और थ्री कॉइंस के कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोग उसको देख लीजिए मजे से एक बार। सो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर ही खत्म करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मजा आ गया होगा आप लोग सभी लोगों को इस क्लास को देखने में। सो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्लास को सभी लोग, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, यहां पर से आप लोगों का दो क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, मजा आएगा देखने में, आई थिंक क्लास आपको समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स देखिए प्रीवियस क्लास जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर सबसे पहले आप जाके उन वीडियोस को देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स आप सभी लोगों को बता रखी है वहां पर, उन शॉर्ट ट्रिक्स को देखिए, ऑलराइट, एंड आप सभी लोगों को पता है हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेस में आपको क्विक रिविजन करा रखा है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारा मिस हुआ हो, सब कुछ कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए क्लास को, क्लास में फोकस कीजिए सभी लोग, एग्जाम आपके काफी पास हैं, एग्जाम होने ही वाले हैं, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड फ्रेंड्स, सो क्लास को अब एंड करते हैं, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।